नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। क्या खबर रहने वाली है आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दैनिक भोगी कर्मियों की दिहाड़ी बड़ी, महिलाओं के किराए में 50% छूट पर नहीं हुई चर्चा। HRTC के दैनिक भोगी कर्मियों की दिहाड़ी में वृद्धि की गई है। अब यह कर्मी 400 रुपये दिहाड़ी प्राप्त करेंगे, जबकि पहले उन्हें 375 रुपये मिलते थे। इस वृद्धि से निगम में कार्यरत लगभग 85 कर्मचारियों को लाभ होगा। यह निर्णय आज सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में HRTC की आय में बढ़ोतरी को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया गया। वहीं निगम की आय किस तरह बढ़ सकती है, इस पर MD HRTC रोहन चंद ठाकुर ने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन उप मुख्यमंत्री व BOD सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त बैठक में निगम की आय व व्यय का पूरा ब्यौरा भी रखा गया। दूसरी तरफ बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निगम घाटे में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशनरों को पेंशन देने का प्रयास किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 700 करोड़ सालाना निगम को दे रही है, जबकि निगम का खर्चा करीब 1000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि निगम को सक्षम कैसे बनाया जाए, इस पर भी बैठक पर चर्चा की गई है, ताकि कर्मचारियों व पेंशनरों के भत्ते समय पर दिए जा सके। निगम में दिहाड़ीदार कर्मियों की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाई गई है। बैठक में निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर, परिवहन निदेशक DC नेगी सहित अन्य अधिकारी व BOD सदस्य मौजूद रहे। तो संक्षिप्त रूप से यह है बड़ी खबर कि हिमाचल में HRTC के दैनिक भोगियों कर्मियों की दिहाड़ी बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ महिलाओं के किराए में 50% छूट पर कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।